नमस्कार दोस्तों, हरास किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तगार की रेसिपी। तगार जिसे कि आप बुरा भी कह सकते हो। आप देख सकते हो हमारा ये तगार बनकर तैयार है। तगार यानी कि बूरा कहीं कहीं पर मार्केट पे अवेलेबल होता है। अगर आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर इसे आसानी से बना सकते हो। तगार का इस्तेमाल हम बेसन के लड्डू में, बहुत सारे ढेर सारे पेड़े की रेसिपीज में बना सकते हैं। गेहूं के आटे के लड्डू भी इससे हम बना सकते हैं। तो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन स्वीट्स है उसमें तगार का इस्तेमाल किया ही जाता है। इससे ना स्वीट्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पिसी हुई चीनी और तगार में बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों, ये दोनों ही अलग चीज है। नो डाउट ये चीनी में से ही बनता है, पर इसका टेस्ट अलग से होता है और पिसी हुई चीनी का टेस्ट भी अलग से होता है। तो चलिए दोस्तों, तगार बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इसी तगार से आगे हम हमारी ढेर सारी मिठाइयों की रेसिपीज भी बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बाजार से भी अच्छा खिला खिला और परफेक्ट तगार बनाने के लिए हम लेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई। कढ़ाई में हमें ऐड करनी है चीनी। तो चीनी हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 कप भर के चीनी। तो ये हो गए हमारे 3 कप चीनी और ऐड करेंगे पानी 1 कप भर के। पानी हमें यहाँ पर उतना ही ऐड करना है कि चीनी अच्छे से डूब जाए। ज़्यादा पानी ना ऐड करें वरना तगार बनने में देरी होगी। तो हाई फ्लेम पर हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट हो जाए बाद में आपको शुगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। चीनी घुलने के 2-3 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि शुगर की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप थोड़ा सा छूकर इसे देख सकते हो, थोड़ी सी चिकनाहट आ गई है पर अभी भी ये परफेक्टली चाशनी फॉर्म में नहीं आई है। तो हम इसे और थोड़ी देर कुक करेंगे और फिर से 2-3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो थोड़ी सी हम हथेलियों पर लेंगे और एक तार जितनी चाशनी हमारी बन रही है, थोड़ा सा तार बन रहा है तो ये परफेक्ट है। 1-2 तार जितना बन रहा है तो बस इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच भर की घी। घी ऐड करने से जो तगार बनेगा ना हमारा दोस्तों, वो बहुत ही हार्ड और गट्ठे जैसा नहीं बनेगा, सॉफ्ट बनेगा हमारा तगार। तो घी ऐड करने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक इसे आप हाई फ्लेम पर कुक करें और जब वाइट बबल्स आना शुरू हो जाए उसी टाइम पर आप गैस को स्विच ऑफ कर दें। तगार रेडी है या नहीं इस तरीके से चेक करें। स्टील की स्पैचुला को ऐड करें और इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हो कि चाशनी जम जाएगी। तो ये साइन है कि तगार आपका बनकर तैयार है। गैस को स्विच ऑफ कर दें। किचन प्लेटफॉर्म पर आपको कढ़ाई को ले लेना है और इसे बिल्कुल ही कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है। इसे कंटिन्यूसली चलाना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि तगार हमारा बिल्कुल ही वाइट कलर में खिलेगा और जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितना ही इसे चलाते जाओगे तगार खिलना शुरू हो जाएगा और जमना भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो तगार हमारा जमना शुरू हो गया है। तो बिना रुके इसे कांस्टेंट आप चलाते रहें। मैं तो यहाँ पर सिलिकॉन स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, अभी ये मिक्स हो रहा है पर बाद में हमें स्टील के चम्मच से ही इसे मिक्स करना होगा जिससे कि गट्ठे तोड़ने में भी आसानी रहे। तो फटाफट से मिक्सर को चलाते जाए, गट्ठों को तोड़ते जाए और अच्छे से हम तगार हमारा बनाएंगे। तो ये लीजिए, थोड़ा सा जम गया है तो चम्मच से भी इसे आप इस तरीके से निकाल लें और कंटिन्यूसली गट्ठे तोड़ते जाए। तो ये लीजिए, हमारा तगार बनकर तैयार है। अगर बड़े बड़े गट्ठे रह गए हो और ना टूट रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा मिक्सी जार में चर्न कर ले तो गट्ठे भी टूट जाएंगे। तो ये लीजिए, काफ़ी सारी मेहनत के बाद बिल्कुल ही वाइट और मुलायम हमारा तगार बनकर तैयार है दोस्तों। इससे आप ढेर सारी यम्मी और टेस्टी डिशेस बना सकते हैं। ध्यान इतना रखिए कि चाशनी आपकी कब तैयार हो गई है। घी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक आप इसे कुक करें और फिर गैस को स्विच ऑफ कर दें। तो दोस्तों, हलवाइयों की टेस्टी मिठाइयों का सीक्रेट मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है।
ये हलवाई सभी तगार का ही इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है। तो इसी तगार से आगे हम बेसन के लड्डू भी बनाएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा हो तो एक लाइक जरूर से कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।